शहर की सबसे बड़ी जिपलाइन गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल एडवेंचर जोन में, जहां लगभग 55 फीट की ऊंचाई से उतारा 12 साल के बच्चे को, जो लगभग 350 फीट दूरी पर कराया लैंड, जहां साबिर खान इंस्ट्रक्टर द्वारा सेफ्टी का रहा विशेष ध्यान रखा जाता है। शहर के एडवेंचर स्पोर्ट्स के मशहूर इंस्ट्रक्टर साबिर खान ने बताया कि जान है तो जहां है, इसके चलते सर्वप्रथम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए खुद निरीक्षण कर सारे इक्विपमेंट की जांच पड़ताल खुद उसकी जांच करते हैं। आज 12 साल के बच्चे को जिपलाइन पर चढ़ाकर उसको 350 फीट की दूरी पर लैंड कराया गया और बताया गया कि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का अचानक आना, जहां हर कोई नहीं बच पाता है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर साबिर खान द्वारा उनको हर प्राकृतिक आपदाओं एवं वॉल क्लाइंबिंग, उसके अंदर लगाए गए कई प्रकार के ऐसे यंत्र जहाँ किसी भी प्रकार में फंसे हुए व्यक्ति को उसकी सहायता से अपनी जान को बचा सकता है, जहाँ हर प्रकार के होने वाले प्राकृतिक आपदा एवं कई फंसे हुए जहाँ से बच पाना मुश्किल होता है, ऐसे स्थानों की जानकारी एवं स्वयं के द्वारा बनाया गया द्वारा ढांचा, जिसमें ट्रेनिंग देकर सभी को फंसे हुए आपदा से बचाने के लिए गाइड किया जाता है। और बताया गया कि जहां कुछ लोग तो देसी राशियों का इस्तेमाल करके जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जो एकदम गलत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर खान। आप क्या करते हो यहाँ? मैं गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एडवेंचर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ वर्तमान में। अभी ये जो हम पीछे देख रहे हैं, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी हम लोगों को मिल पाएगी, बताइए थोड़ा। ये अभी जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, अभी ये वॉल क्लाइंबिंग है और एक ये रोप बंधा हुआ है ऊपर से नीचे के, उसे जिप लाइन है, यहाँ पे पीछे ब्रिज वगैरह है और ये स्लैटिंग नेट है। असल में क्या है कि इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बोला जाता है और ये डिविजनल संभाग का, हमारे ग्वाली संभाग का सबसे बड़ा एडवेंचर जोन है यहाँ शिवपुरी शहर के अंदर। अभी लगभग इसकी ऊंचाई क्या होगी? लगभग हमने इसकी ऊंचाई जो रखा गया है वॉल क्लाइंबिंग का 52 फुट का रखा गया है और टोटल ये टावर, क्लाइंबिंग टावर जो बनाया है 60 फुट का है। हम देख रहे हैं पीछे ये ब्रिज बने हुए हैं, कई अलग अलग तरीके के हैं, क्या कुछ मतलब इस ब्रिज को हम कहें कि किसका रूप इन ब्रिज को दिया गया है? देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक आर्मी का स्पोर्ट्स है और जिसको हिंदी में साहसिक खेल भी बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से आपको जो काफ़ी ब्रिज पीछे दिखाई दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को सिखाने के साथ साथ उनको छोटे मोटे ब्रिज बनाना आना चाहिए देसी संसाधनों से, इसलिए हमने कई तरीके के ब्रिज यहाँ तैयार करे गए हैं। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए किस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं? हाँ, बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग जो सीट हार्नेस करके होता है, हाफ हार्नेस और फुल हार्नेस का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग कुछ कुंदे होते हैं कैराबिनर, जो 25 किलो न्यूटन के कैराबिनर होता है, तो मिनिमम 2000 या 1500 किलोग्राम के आसपास वजन उठाने की क्षमता रखती है। लगभग इसमें लगभग कितना, लगभग अभी जो अपन ने बच्चे को उतारा था, लगभग उसका कितना क्या वेट होगा? बच्चे का वेट करीब 35 या 30 किलो के आसपास का बच्चा होगा जो अभी उतारा था, लेकिन उसके साथ में जो सेफ्टी प्रदान की गई थी, जो एंकर वगैरह किया था, अगर एक साथ भी और उसी एंकर के साथ में तीन बंदे भी लगा देते तो भी ये रोप डैमेज नहीं हो सकता। तो आपके द्वारा आगामी कुछ दिनों बाद एडवेंचर को लेके कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लगभग शायद वो 2 या 3 दिन तक होंगे, तो उसमें बच्चों का क्या बेनिफिट है? देखिए, शिवपुरी शहर का क्या है कि गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल जो है, यहाँ पे ग्वाली संभाग का सबसे बड़ा एडवेंचर जोन बनाया गया है, तो हमारे विचार कुछ इस तरीके से बने कि क्यों ना सभी शहरवासियों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाएं एडवेंचर के माध्यम से। जैसे कि देखने में आ रहा है कि हमारे शहर के युवाओं में, छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या आए दिन बढ़ रही है, साइलेंट अटैक बढ़ रहा है लगातार लोगों के बीच में, कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं, कम उम्र में बालों का झड़ना हो रहा है, घर में कई बहुत कम उम्र के बच्चों के भी है ना घुटनों में दर्द की समस्या काफ़ी सामने आ रही हैं, सांस फूल जाना है, तो उस दौरान इसको देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। क्या हम जो हम पीछे ब्रिज देख रहे हैं जिसमें आपके द्वारा कई प्रकार की रस्सियों का उपयोग इसमें किया गया है, क्या हम देसी रस्सियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, असल में क्या होता है, देसी रस्सियों का इस्तेमाल एडवेंचर प्रोटोकॉल में नहीं होता है, क्योंकि जान है तो जहान है। क्या होता है कि कुछ लोग देसी रस्सियों का बनवा लेते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा शिवपुरी में भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, तो वो देसी रस्सियों का था, क्या वो सर्विस दे पाया ज़्यादा?
और जबकि शुरू होने से पहले ही वो खराब हो गया था, जो मैं उनका नाम नहीं बता रहा अभी यहाँ। तो लगभग क्या अंतर उस देसी रस्सी में और यहाँ की जो अपन उपयोग करते हैं उस रस्सी में क्या अंतर देखा जा सकता है? हाँ, इसमें देखिए, देसी रस्सी के मिनिमम 100 मीटर का अगर आप रोप लोगे देसी रस्सी में, तो मिनिमम आपको 100 मीटर का रोप 200 रुपये का पड़ जाएगा, 200 या 300 रुपये का। और 100 मीटर का पूरा रोप आप एडवेंचर वाली डायनेमिक स्टैटिक लोगे तो मिनिमम 9,500 रुपये का एक रोप पड़ता है। तो इसमें करीब हमने काफ़ी पैसा भी लगाया गया है, और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ देसी चीज़ का किसी भी तरह का कोई भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और भविष्य में और अच्छे तरीके से हम लोग और एक्टिविटी भी बढ़ाने के विचार में हैं। आपके द्वारा पूरे MP में ही नहीं बल्कि आप बाहर भी आपने एडवेंचर को लेके आपने कई कैंपस कैंप भी लगाए हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने अगले साल जो लगाए थे कैंप ग्वालियर में लगाए थे, क्योंकि ग्वालियर की मेरे को जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने ग्वालियर में कैंपिंग किया उर्वई गेट नर्व वो सॉरी ग्वालियर किले पर, वहाँ पे किया तो काफ़ी मैंने और मालूम किया, तो वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, डिग्रियाँ होती नहीं है लोगों के पास, काफ़ी एक्सीडेंट का सामना कई लोगों, हमारे शहर का ही एक युवा है, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, इंदौर में एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी, भगवान उनको जन्नत नसीब करे। तो क्या होता है कि अभी रायपुर के अंदर भी एक स्कूल के दौरान जिप लाइन के दौरान एक बच्ची 3 मंजिल से नीचे गिर गई थी, अब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, FIR वगैरह हुआ, तो मालूम ये चलता है उनके पास भी किसी भी तरह का कोई डिग्री नहीं थी। मेन चीज़ इसमें क्या होता है कि बड़े शहरों में देखा जाता है कि बड़े शहर है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तो आसानी से वे एडवेंचर में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। एक्सीडेंट जब होता है सामने तब वो देखा दाखी करते हैं वहाँ के प्रशासन, तो इसलिए हमेशा कभी पार्टिसिपेट करें तो कम से कम इंस्ट्रक्टर के बारे में उनको बच्चों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इस तरीके की नॉलेज हम यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों को देते हैं कि कभी ऐसा आपके साथ कभी कोई हादसा लाइफ में ना घट जाए।